भैया को कॉपी कब से फोटो खींच रहे हो? कब से फोटो क्लिक कर रहे हैं आप ये बताइए। आप लग रहा है बनने से पहले थे आप यहीं। वेलकम यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है रजत और ये ब्लॉग जो है ये पिछले ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। मतलब इसका एक पहले भी एक पार्ट था। अगर आपको वो देखना है और आपको जानना है कि हाउ वरीज कुतुब मीनार, तो उसके लिए आप पिछला वाला ब्लॉग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे कोने में डाल दूँगा, कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अबे यार डस्टबिन नहीं है क्या आसपास में? क्या भाई दो दो मिनट में रुक जा रहे हो फोटोज के लिए, आगे बढ़ो। ज्यादा नहीं और भी बस काफी इतना था भाई। भैया का पैशन फोटोग्राफी है उनका। अब कहाँ खड़े होना है? दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मुझे फोटो से, मतलब हमेशा बैकग्राउंड से, मतलब ऊपरी हिस्सा से, मतलब वही वाली सही है। अच्छा ये भाई ये दिखना चाहिए, वो कह रहे हैं। ये देखो अब बताओ भैया कहाँ, भैया बताएंगे पोज कहाँ लेना है। यहीं पे तो साथ में ना आयरन प्लेयर पे हम आ गए और हमारा 10 बार दुखा चुका हूँ मैं कुतुब मीनार को, बार बार ऊपर कर करके। एक इंटरव्यू लेना है, बात ही होती है। अब भैया हमको गाइड कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट स्पॉट है जहाँ पे हमें फोटोज क्लिक करवानी है। हम वहाँ जा रहे हैं और हमारा इंस्टाग्राम अब सिर्फ कुतुब मीनार की फोटोज से बना। तो मोबाइल वाला बंदा हुआ भाई, क्या भाई असला प्रोवाइड करो असला यहाँ पे, यहाँ से। अच्छा इसके साथ आएगा इस बार, पिलर के साथ। एक नाइफ के अंदर बंद हो जाएगा, देखिए चाकू से, चाकू के अंदर एक कुतुब मीनार भी, आयरन प्लेयर भी और आप सब भी इसी में बंद है। कितना एक्सपीरियंस हो गया भैया आपको फोटोग्राफी का? एंगल तो 90 डिग्री एंगल, एंगल में भी कोई झुकाव नहीं ऐसी। तो भैया तो बात सही कही, नाइफ की जो शेप में आ रहा है। भैया को कॉपी कब से फोटो खींच रहे हो? कब से फोटो क्लिक कर रहे हैं आप ये बताइए। आप लग रहा है बनने से पहले थे आप यहीं। हेडिंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन फोटोग्राफर। आउटडोर शूट है हमारा, आउटडोर शूट है। कुतुब मीनार को पूरी तरह एक्सप्लोर किया जा रहा है विद वन एंड ओनली। ये नाम क्या है आपका? प्रभात कुमार। आइए ये वाला स्पॉट है ना, नेक्स्ट स्पॉट इज दिस। आ जाओ भाई यहाँ तो सूरज भाई, वही फोन दो भाई, वही फोन दो। चलो भाई लेट्स एक और तड़कती भड़कती फोटो क्लिक कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। भैया Adobe Photoshop भी कर देते हैं। Adobe ये ब्लॉग में आना चाहिए, नॉट Adobe, इट्स Adobe, इट्स Adobe। भैया Photoshop से डक को ऊपर बिठा देंगे। भाई डक तो इसका ले लेके मर जाएगा। क्यों सुबह उठते भाई, ये क्या हो रहा? बाहर रात हो रही होगी भाई। This is the last spot. तुम यार एक सन के साथ आएगा, बहुत अच्छा फोटो आएगा। ओए होए 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 होए
मिला कि मेहराब का लाइन बहुत अच्छा है, और जब वहाँ खरीद ऐसा फोटो सेशन हुआ है तुम्हारा? मुझे दोस्तों के मुझे लगता है ऐसा फोटो सेशन मेरा की बैचलर का फोटो शूट मीनार पे भाई एक्चुअली काफी आइडिया करी थी ना यही हमने काफी आइडिया भैया यहीं पे ये किया इन्होंने बैठ के ऐसा लगता है मुझे गार्ड गार्ड नहीं है गार्ड नहीं है भाई इनका पैशन छोटा घर पे है वो कभी करने पर मेरे पास वो नहीं है यहां देना चलो ये नहीं है मेरे पास आईफोन भैया को एक आईफोन गिफ्ट कर देना भाई यहां पर भैया जी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे इंस्टाग्राम पर एक अलग से पेज चला इंस्टाग्राम पे चाकू वाली फोटो नहीं करता इससे मेरे को कैमरा तो मेरा मोजा छीन लिया मैं क्या करूंगा इसके साथ इससे तो हो ही नहीं पाएगा इसमें तो मैं देखता भी स्क्रीन के ऊपर रहता हूँ भाई कितना सेक्सी है वो यहाँ से अच्छी फोटो आ रही है कुछ इसको देख के कुछ और ही फीलिंग ले रहा है जब से कितना सेक्सी आ रहा है कितना सेक्सी आ रहा है कुछ मतलब चलो भाई स्ट्रीट फूड खाने का मन नहीं है ना तेरा मतलब मन से नहीं कर रहा हां तो रजत तू बता कोई सजेशंस वहीं पे चलो चलो फिर वहीं चलते हैं अच्छी लगती है कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स हम यमुना कैफे वहाँ यमुना नदी का क्लियर क्लियर व्यू आएगा क्लियर पानी और क्लियर व्यू काटेगा तो नहीं जा यार अभी अब नहीं डर लग रहा अब नहीं मेरे आने से तेरा डर छूट गया है तुझे पता है ना इन्फ्लुएंसर हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है हाँ मेरी तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं ये तो तुमने सच बोल दिया ओहो हो कौन सा तू बता ये मेरा में कितना डर रहा है आंखों में नींद भर गई भाई अब तो कब तक आएगा भाई मशरूम तो आज हो नहीं पाएंगे सॉरी साले जब पता था इसे मशरूम में टाइम लगता है फिर भी इसने दोबारा मशरूम सैंडविच ही करा है ये नहीं क्लब सैंडविच मंगा ले अच्छे लग रहे थे अबे क्लब सैंडविच बुरे नहीं होते हैं पक्का मैं कह सकता हूँ एक्सक्यूज मी ब्रदर इधर मशरूम का सीजन तो चला गया आप 6 महीने रुक जा इटाली खाना आ रहा है मैं कैमरा गिरा दूँ
सर क्या है ये? मशरूम ओपन सैंडविच देखते हैं। अच्छा लग रहा है। पुनीत विद द जज। मुझे तो काफी सही लग रहा है, लुक्स पे तो काफी अच्छा है। क्या कह रहा है? पेज के लिए तो सही है चाय। टेस्ट हम मैनेज कर लेते हैं। बस खाना थोड़ा मुश्किल है बस। जो आसान है वो खा लिए पहले। ऑल द प्रोफेशनल फोटोग्राफर आउट देयर हैव सम इंस्पिरेशन। अबे थोड़ा सा ना और पानी की तरफ अंदर चल जाए। एक डुबकी भी लगाते हैं। नहीं काफी शांति है यहाँ पे, ये चीज बहुत अच्छी है। वाइब अच्छी और म्यूजिक भी काफी अच्छा बजाते हैं लोग। वैसे उस दिन मैं आया था, म्यूजिक भी काफी सही बजा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषिकेश के किसी कैफे में बैठे थे। चल बाय। बॉटल फेंक वेक देना, जो करना कर दे भाई। मैं तो आंखें नहीं खुल रही। बाय बाय बाय। चल भाई। ओ भाई आज तो खाना वाना भी नहीं जाती, बस पड़ जाना। चलो भाई घर चलते हैं। ये गई हमारी गाड़ी और ये हैं हम। उसको बहुत तेज नींद आ रही। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो हमारा फ़ोटोशूट हुआ प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मज़े में बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। हर जिस तरीके से वो अपने हर फोटो को क्लिक करने के बाद एक्सप्लेन करते थे कि ये इसमें ये दिखा रहा है, दे रहा है ये, इसमें मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया है, तो हमको सही में फील आ रही थी कि हमारा कोई फोटो शूट कर रहा है सही में। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इन अनदर ब्लॉग विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप बीइंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबडी एल्स वांटेड टू बी। पीस। नहीं तो आप थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी कर देंगे। रजत तो रोक दिया कैमरा। रजत तो वैसे ही पूरा ग्लास पी चुका है। रजत ने पिया, इसका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा सही हो चुका है।